बोलो राधे राधे। कृष्ण नगरी वृंदावन में दोस्तों आपका स्वागत है। यदि आप वृंदावन में हो और आपके पास बस 6 से 8 घंटे हैं, तो आपको क्या मिस नहीं करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है प्रेम टेम्पल। इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर आपने शायद ही कभी देखा हो। संगमरमर से बना ये टेम्पल इतना सुंदर है कि इसे देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। मंदिर के आसपास बने हुए गार्डन्स और वहां पे कृष्ण एंड राधा की रास लीला, गोवर्धन पर्वत, इन सबको इतने अच्छे से दिखाया गया है कि आप इस मंदिर के दीवाने बन जाओगे। मंदिर बाहर से जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा अंदर से सुंदर है। बस हाँ, ये ध्यान रखिए कि मंदिर दोपहर को 12:30 से शाम को 4:30 बजे तक बंद रहता है। यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे तो ऐसे ही बीत जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद मैं कहूंगा इस्कॉन टेम्पल। वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल इतना सुंदर है, वहां पे हो रहा कीर्तन इतना प्यारा है कि 1 से 1.5 घंटा आराम से आपका वहां पे बीत जाएगा। और हाँ, इस्कॉन में यदि आप हो तो वहां का प्रसाद लेना मत भूलिएगा। उसके बाद में कहूंगा बांके बिहारी टेम्पल। और हाँ, टेम्पल के आसपास का जो स्ट्रीट फूड है वो भी आप मिस मत कीजिएगा। उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां की चाट। चाट को जिस तरीके से वो बनाते हैं, चटनी के साथ, छोले के साथ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उसके ऊपर मूली डाल के देते हैं आपको, यू वुड सिंपली लव इट। एंड यहाँ की मूली इतनी मीठी होती है कि क्या बताऊं दोस्तों। यहाँ की लस्सी पीना भी मत भूलिए। आपकी आंखों के सामने एकदम फ्रेश दही निकालेंगे, लस्सी बनाएंगे, उसके ऊपर डबल मलाई डालेंगे, और मलाई डालने के बाद उसके ऊपर केसर का सिरप डालेंगे। ये कम है, ऐसे उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डालेंगे, एंड चीनी डाल के आपको ये मलाई वाली लस्सी देंगे। यदि आप मेट्रो से आए हो तो आपको यहाँ का खाना काफी सस्ता लगेगा। उसके बाद आप सेवा कुंज एंड निधुवन विजिट कीजिए। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान गोपियों के संग रासलीला खेलते थे। इन दोस्तों, आज भी माना जाता है कि हर साल कृष्ण भगवान यहाँ पे आके रासलीला खेलते हैं। इसी रीजन से आज भी उन्होंने ये जगह को अच्छे से संभाल के रखा है। उसके बाद आप केशी घाट के नजदीक बोट राइड करना मत भूलिए। बोट राइड करते करते यमुना नदी के घाट पे आए हुए काफी सुंदर टेंपल्स आपको दिखने को मिलेंगे। वृंदावन में दोस्तों इतने टेंपल हैं कि आपके दिन कम पड़ जाएंगे पर टेंपल कम नहीं होंगे। यदि आप इन पर्सन सारे टेंपल विजिट नहीं कर सकते हो तो बोट से आपको सारे टेंपल की एक झांकी देखने को मिल जाएगी। अभी जो आप देख रहे हो वो श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल हैं। और दोस्तों, यदि आप बोट राइड कर रहे हो तो नदी की दूसरी ओर आए हुए सरसों के खेत को विजिट करना मत भूलिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक आपको ये पीले कलर के सुंदर फ्लावर्स दिखेंगे, एंड यू वुड रियली लव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेस। और हाँ दोस्तों, यदि आपके पास टाइम हो तो फिर मथुरा एंड आगरा विजिट करना भी मत भूलिए। वी स्पेंड 3 डेज इन आगरा एंड फ्यू आवर्स इन मथुरा एज वेल। कृष्ण भगवान का जहां पे जन्म हुआ था वहां पे बहुत ही सुंदर टेंपल बनाया गया है मथुरा में। एंड आगरा में ताजमहल आप जितनी भी बार देखोगे आपको लगेगा कि और देखा जाए। और यदि दोस्तों आपको जानना है कि आगरा में क्या क्या देखा जाए तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सो हम हैं कृष्ण नगरी वृंदावन में। कृष्ण भगवान का बचपन का 12 साल यहाँ पे बीता। गोपियों के साथ रास लीला, अपने भाई बलराम एंड सुभद्रा के साथ खेलना, यू नो ही हैड ब्यूटीफुल मोमेंट्स हियर। आप देख सकते हो हम नदी की इस साइड है,
वहाँ पे पूरे लाइन में टेम्पल्स बने हुए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टेम्पल्स। हम यहाँ पे दोपहर पे आए, इसलिए यू नो वी मिस्ड कपल ऑफ टेम्पल्स। अगेन वी आर वेटिंग के 4:30 बजे तो हम विजिट करें वो टेम्पल्स, जैसे प्रेम मंदिर। स्टिल देयर आर टेम्पल्स के जो दोपहर को खुले रहते हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर विजिटिंग दोस टेम्पल्स। टेक अ बोट राइड, यू विल हैव फन, कम टू द अदर साइड। बहुत अच्छे सरसों के फील्ड्स हैं एंड यू इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो व्यू, सो एंजॉय। डोंट जस्ट विजिट द टेम्पल, कुछ खाने का ट्राई करो, छोले टिक्की ट्राई कीजिए, लस्सी बहुत फ्रेश मिलती है यहाँ पे, तो लस्सी पीजिए एंड एंजॉय। थैंक यू। अगर आपके पास चश्मा, गॉगल्स, मोबाइल हो, प्लीज संभाल लिए, क्योंकि बंदर आके ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो बंदर है ना, आप हमारे सामने एक लड़के का मोबाइल छीना एंड देन यू नो वी अलर्टेड हिम, सो आपके मोबाइल एंड चश्मे बंदर ले लेते हैं। व्हाट दे वांट इज सम फूड, सो इन रिटर्न दे वांट सम फूड एंड दैट्स व्हाट हाउ दे नेगोशिएट, दैट्स आर्ट दैट दे हैव लर्न्ड। सो गाइस, अपना चश्मा एंड मोबाइल अंदर रख के जाइए, कोई भी टेम्पल आप विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं हर जगह पे। सही से तो वो आ ही जाते हैं। आप प्रिकॉशन रखने का ट्राई करो या नहीं, आप सोचोगे कि कवर्ड है मक्की कैसे आएंगे, लेकिन जब आप अंदर जाओगे फिर आपको कुछ ओपन एरिया दिखेंगे, जो आपको दिखेंगे उधर बंदर आ सकते हैं कभी भी। कुछ बच्चों जो बंदर से डरते नहीं है, वो बच्चों को बंदर को लस्सी पिलाने में भी मजा आता है। भाई साहब ने बंदर को लस्सी पिलाई, भाई बंदर बंदर बहुत खुश हो गए। ओके, बाय बाय।